बात है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बनाकर रख दिया था इन्होंने मध्य प्रदेश को। हमारे बच्चे रात को पढ़ नहीं पाते थे, खेत में सिंचाई तक नहीं हो पाती थी, बिजली थी कहां। तो शिवराय ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पूरे प्रदेश का जीवन अंधकार में धकेल कर गए थे ये लोग। तो माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे, तब ये अपने बच्चों को विदेश भेजकर इतरा रहे थे। ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मेधावी बच्चों का हाथ थामा है। अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। अरे गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलने लायक रास्ते तक नहीं छोड़े थे इन्होंने। वो तो जब शिवराज आया तब कहीं जाकर गली मोहल्ले और गांव शहरों में सड़कें दिखने लगी। अरे ऊंचे महलों में रहने वालों, तुम क्या जानो गरीब की तकलीफ को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। जरूर दीजिएगा। याद है इनकी सरकार। ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना, तब शिवराज था जो केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था। अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार। 10 सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को, खेत बंजर दिखने लगे थे। दर्द तो हमारा सिर्फ शिवराज ने समझा। किसान का बेटा है ना, गांव गांव में नहर और बिजली ले आया वो। अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। सीहोर में बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। सुदेश राय के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से लेकर स्मृति ईरानी तक वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सीहोर से हमारे संवाददाता अरुण राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अहमदपुर गांव में बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के समर्थन में आयोजित सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर जमकर कटाक्ष किया। सुदेश राय के समर्थन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सभा की। आपसे पूछ रहा हूँ अहमदपुर वालों, आपको शिवराज पर गुस्सा आता है क्या? गुस्सा आता जरूर है, लेकिन जनता को नहीं आता, गुस्सा कांग्रेस को आता है। मैंने 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश की धरती पर बनाकर जनता को दे दी, इसलिए कांग्रेस को गुस्सा आता है। इनके जमाने में बिजली नहीं थी, व्यापारी भाइयों इन्वर्टर से काम चलाया करते थे। 2900 मेगावाट बिजली को बढ़ा के मैंने 18,800 मेगावाट कर दिया है, और गरीब की झोपड़िया में भी बिजली लगवा दी है। स्वदेश को टपरिया बची होगी तो चिंता मत करना, टोला मजरा कोई नहीं छोड़ूंगा। जहां जरूरत है हम बिजली का कनेक्शन देके गरीब के घर को भी रोशन करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रशासनिक इतिहास में पहली बार बेटी जब 21 साल की हो तो उसे 1 लाख रुपए की राशि देने का निर्णय तब संभव हुआ जब आप जैसी बहनों ने, आप जैसे भाइयों ने आकर बढ़ चढ़ कर भाजपा के पक्ष में वोट दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज गंज चौराहे पर बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया। कहा, मामा शिवराज के कार्य अद्भुत हैं, आप खूब वोट दें। मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस की भाषा सदैव से खराब रही है।
देख रहे हैं दखल न्यूज। याद है इनकी सरकार, जब ये दिल्ली में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहे थे ना, तब एक शिवराज भैया ही थे जो हमारी लाडलियों की पढ़ाई लिखाई, उनके शादी ब्याह की फिक्र मामा बनकर कर रहे थे। आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हें। अरे माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दें, भाजपा को वोट दें। याद है इनकी सरकार, जब ये चांदी के बर्तनों में दावतें उड़ा रहे थे ना, तब शिवराज ही था जो 1 रुपए किलो में अनाज और 200 रुपए में बिजली देने में जुटा हुआ था। गरीब का पेट भरना तो दूर की बात, 10 सालों में कमर तोड़ दी थी इन लोगों ने। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये वही लोग हैं जो गरीबों की टपकती छतें देखकर अपना मुंह फेर लिया करते थे। वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे सर पर पक्की छतें आई। गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों का ही हक खा गए थे ये लोग। माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दे। याद है इनकी सरकार, ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना, तो हमारा शिवराज उन्हीं बुजुर्गों को माँ बाप मान के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। आज वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग। ए माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। विकास का साथ दे, भाजपा को वोट दें।